हर जगह आबिशार आपको नजर आएगा। ये देखें, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और उस जगह पर भी है। अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आया हुआ था यहाँ पर कुंदस आबिशार पे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हम चार के पांच लड़के आए हैं गाड़ी पे। तो गाड़ी आगे यहाँ पर फंस गई थी, तो हम सारे उतर गए थे यहाँ पर, तो गाड़ी यहाँ से आगे चली गई है। हम यहाँ से आगे पैदल जा रहे हैं और वो जो आप देख रहे हैं ये आबिशार है। यहाँ पर अभी आगे फौजी कैंप भी होगा, तो यहाँ से फिर ऊपर आबिशार की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आपने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करनी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना है। और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये सीधा जाता है जी आखिरी इंडिया के बॉर्डर पे, और फिर वहाँ से मतलब यहाँ से वहाँ तक जाने में कम से कम घंटा डेढ़ घंटा लगेगा हमें बाइक या गाड़ी पे। तो लेकिन अभी हम वहाँ पर नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ यहाँ पर आबिशार पे आए हैं। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आए, मैं आया था जी अपने गांव से आगे गुलशन कबीर से आया था, वहाँ उस साइड पर। अगर ये जो रोड है देख रहे हैं ना, अगर इस रास्ते से जाएंगे तो खपलूस कर दो गिलगित पिंडी उस साइड को जाता है, और यहाँ से इस साइड को आखिरी इंडिया का बॉर्डर पे। इंडिया के बॉर्डर पे पहुँचने में यहाँ से टाइम लगेगा जी, घंटा लगेगा ज़्यादा हो गया तो। ये पास ही है यहाँ पर, जितने भी आप ये देख रहे हैं ना, ये पहाड़ देख रहे हैं, हर जगह आबिशार आपको नज़र आएगा। ये देखें, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और उस जगह पर भी है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी है। मतलब इस जगह आप जहाँ पर भी देखते हैं तो आबिशार ही आपको नज़र आता है यहाँ पर। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये फौजी कैंप है, तो यहाँ से हमने जाना है ऊपर यहाँ पर आबिशार पे। हम तो यार बहुत ज़्यादा चल के आने के बाद यहाँ पर अभी पहुँचे हैं जी, और ये आप देख रहे हैं आबिशार यहाँ पर है। तो भाई ने गाड़ी यहाँ पर लगाई है, और जो मेरे कज़न थे वो चले गए उधर कैंटीन पे कोई सामान लेने गए। यहाँ से 2-3 मिनट का रास्ता है आगे जाने में। हाँ तो यार अभी यहाँ पर जो फौजी ऑफिसर्स थे उन लोगों ने मना किया कि ऊपर अलाउ नहीं है, तो अभी आबिशार पे नहीं जा रहे। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं जी दुमसुम, वहाँ जाके फिर आपको दुमसुम का व्यू चेक कराते हैं। हाँ तो यार अभी जो पीछे लड़के बैठे हुए थे वो तीनों उतर गए, और हम तीन आगे जो फ्रंट पे बैठे हुए थे वो यहीं पे बैठे हुए, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं वो ऊपर से लैंडस्लाइडिंग होके रोड सारा ख़राब हुआ है, रास्ते ख़राब हैं, तो इस वजह से आप देख सकते हैं। देखें जी गाड़ी आगे फंस गई थी, तो हम उनको उतार के पैदल आ रहे थे, हम आगे पहुंच गए थे, तो ये अभी इधर पहुंच गए आ रहे हैं, बस इनको बिठाते हैं फिर आगे दुमसुम की तरफ निकलते हैं। और हमारा यार प्रोग्राम यही का था कि आबिशार पे आएंगे, यहाँ पे आपको व्यू चेक कराएंगे, लेकिन यहाँ पर जो फौजी ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने मना किया, उन लोगों ने कहा कि हमें अलाउ नहीं है यहाँ पर भेजने के लिए, इस वजह से तुमने हमने कहा चलें ठीक है फिर कोई इशू नहीं है हम चले जाते हैं। तो अभी हमने फिर डिसाइड किया कि आगे दुमसुम चलते हैं और वहाँ का आपको व्यू चेक कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना। तो यार ये फाइनली हम पहुंच गए जी दुमसुम में, और यार आप सबसे माजरत करता हूँ मैं, यार मेरा ये प्लान था कि आगे आबिशार पे जाते हैं और वहाँ का आपको व्यू चेक कराते हैं, लेकिन कोई नहीं यार, इंशाल्लाह ऐसी और भी बहुत सारे आबिशार हैं हमारे गांव में, तो इंशाल्लाह किसी और दिन प्लान करके वहाँ पर चला जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी आया हूँ दुमसुम में, तो फिगर है यहाँ पर, तो यहाँ से बिजली आगे जितने भी गाँव हैं वहाँ पर बिजली यहाँ से ही जाती है। तो अभी यहाँ पर मेरे जो दोस्त हैं वो सारे आगे चले गए, और अभी मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर चढ़ा हूँ, तो मैं भी जाता हूँ आगे। कि हमने स्प्राइट ली थी और ये 2-3 बिस्किट ले लिए थे। ये है जी दुमसुम वैली, यहाँ पर ये दुमसुम वैली मतलब मेरे गांव से 10 से 15 मिनट का रास्ता है, नज़दीक ही है दुमसुम, तो इतना दूर तो नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं इंडिया के बॉर्डर पर तो वो हमें दूर पड़ता है। तो फिलहाल अभी हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, इंशाल्लाह किसी और दिन प्लान करके वहाँ पे चले जाएंगे, इंडिया के जो हमारा जो लास्ट बॉर्डर आता है इंडिया और पाकिस्तान का, वहाँ पर चले जाएंगे।
और ये देखें यहाँ से पानी लीक हो रहा है। हाँ ये देखें रेम्बो बना हुआ है, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, ये देखें जी रेम्बो बना हुआ है। यहाँ से आगे हम जाते हैं तो यहाँ से पहुँचते हैं जी आखिरी लियारी, और उस साइड को इस साइड से हम आए थे, इस साइड को गए थे अभिशार जोन से, इस साइड को था। तो यहाँ से अगर जाते हैं तो कारगिल की साइड पर, तो अभी हमारा गाँव जोन से इस साइड को है आगे। तो यहाँ पर मेरे जो दोस्त हैं बैठे हुए हैं, यहाँ पर रिव्यू इंजॉय कर रहे हैं, और जो मेरे भी जितने भी प्यारे से व्यूअर्स हैं यार उनसे मैं माजरत करता हूँ, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं आगे ही जाऊँ आबशार पे, वहाँ नहीं जा सका। तो हाँ तो यार इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, तो बस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।